हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। टीआईएफआर की तरफ से कंडक्ट की जाने वाली एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन की एग्ज़ाम इस साल दिसंबर में होने वाली है। उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। उसी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम के पेपर से लिया हुआ एक एमसीक्यू आज हम सॉल्व कर रहे हैं। An orchid living on a tree is an example of which of the following types of interaction? Nature में जो organisms के बीच में interactions होती है उसके बारे में ये question है। तो question में example दिया गया है कि orchid है, orchid का plant किसी और tree के ऊपर रह रहा है तो ये किस type की interaction कहलाई जाती है। ऑप्शंस में है कमेंसालिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म या प्रीडेशन। हर एक इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे तो हम आंसर तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले कमेंसालिज्म के बारे में जान लेते हैं कि इंटरेक्शन प्लस जीरो टाइप की इंटरेक्शन है। इसमें जब भी दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फायदा ना तोटा, ठीक है, उसे ना बेनिफिट होता है ना उसका कुछ लॉस होता है। तो इस तरह की इंटरेक्शन कमेंसालिज्म कहलाती है। यहाँ पर एग्जांपल एपिफाइट्स का दिया जा सकता है। एपिफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर, बड़े ट्री के ऊपर रादर रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऑर्किड दिया जा सकता है कि ऑर्किड जो है वो एक एपिफाइटिक प्लांट है जो बड़े ट्री के ऊपर रहता है और इसकी वजह से उस बड़े ट्री को कुछ नुकसान नहीं होता ना फायदा होता है और ऑर्किड को फायदा होता है, वो वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ प्लस जीरो रिलेशनशिप नोन एज कमेंसालिज्म, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे लिए वो है म्यूचुअलिज्म। तो ये प्लस प्लस रिलेशनशिप कही जाती है। दिस इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। यहाँ पर दोनों भी ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं, दोनों को भी फायदा होता है एक साथ रहने से। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट हो सकता है या फैकल्टेटिव हो सकता है। ऑब्लिगेट का मतलब कंपलसरी, ये होना ही चाहिए। जब तक ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तब तक ये दोनों ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है देखो राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए प्लांट के रूट नोड्यूल्स चाहिए और रूट नोड्यूल्स में अगर बैक्टीरिया रहता है तो प्लांट को रेडीमेड नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिलता है, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अनदर इज अ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म जिसमें ऑप्शनल है, साथ में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी चल सकता है। एग्जांपल इसका क्रैब और सी एनिमोन दिया जा सकता है। क्रैब के पीठ के ऊपर सी एनिमोन बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो जिससे क्रैब को प्रोटेक्शन मिलता है उसके प्रीडेटर से और सी एनिमोन को यहाँ से वहाँ जाने में मदद मिलती है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है देखो पैरासिटिज्म। तो इसमें प्लस माइनस नेगेटिव मतलब प्लस माइनस इंटरेक्शन है ये। यहाँ पर एक पैरासाइट है जो बेनिफिट, जो हमेशा बेनिफिट में रहता है, जिसका फायदा होता है और जिसके ऊपर वो रह रहा है, जिसे हम होस्ट कहते हैं, तो होस्ट को ऑफ कोर्स हार्म होता है। इस वजह से ये प्लस माइनस रिलेशनशिप है। पैरासाइट एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, बॉडी के बाहर रहने वाले, होस्ट की बॉडी के बाहर, तो वो एक्टो पैरासाइट कहलाए जाते हैं, दैट आर सम माइट्स।
और अदरवाइज पैरासाइट में भी एंडो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकते हैं, दैट इज अ हुक वर्म्स दैट लाइव इन अ होस्ट गट। इस तरह से पैरासिटिज्म जो प्लस माइनस रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो है वो प्रिडेशन है, प्रिडेशन प्रे प्रिडेटर राइट, वो वाला प्रिडेशन। सो दिस इज द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग किलिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म। ये कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होता है, जो ऑर्गेनिज्म ये कैप्चरिंग किलिंग ईटिंग करता है दैट इज अ प्रिडेटर, और जिसे वो खाएगा दैट इज अ प्रे राइट, वी नो दैट। तो यूजुअली प्रिडेटर जो होते हैं वो लार्जर साइज के देखे जाते हैं कंपेयर टू प्री। वापस अगर क्वेश्चन की तरफ आए तो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कमेंसालिज्म का है। हमने देखा कि ऑर्किड रहते हैं ट्री के ऊपर विदाउट हार्मिंग ट्री, ऑर्किड को फायदा है, ट्री से उन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है रेडी टू ईट, और ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से ये प्लस जीरो रिलेशनशिप हो जाती है जो कहलाती है कमेंसालिज्म राइट। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसके साथ मैं आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम है, दिसंबर में ये एग्ज़ाम होती है। मैं आपके साथ मेल आईडी शेयर कर रही हूँ। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए। मेरे चैनल पर इस एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी 70 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वो ज़रूर देखिए। इसके अलावा इकोलॉजी टॉपिक पर भी वीडियो अवेलेबल है जो इसके काम आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।